İnsan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर शुरू करेंगे और ये हमने डाउनलोड किया है इस साइट से. ये वेबसाइट है www.docforshares.com. ठीक है, हमने इस साइट से ये डाउनलोड का बटन है यहाँ से जाके हमने डाउनलोड किया है और इसको मैंने ग्रुप में और लिंक में मैं शेयर कर दूंगी डाउनलोड लिंक कि ये कहाँ से. इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के एंड पे आपके साथ शेयर कर दूंगी. ठीक है, यहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. जी मैं इसको थोड़ा सा प्लस कर देती हूँ सबको देखने में इजी हो. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम फातिमा. वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. चले हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ताकि ये एमसीक्यूज आज के मुकम्मल हो जाएं. ठीक है, मेरा टारगेट है कि ये हम ये वाले जो एमसीक्यूज है ना, ये तकरीबन 100 के करीब एमसीक्यूज हैं, 96 एमसीक्यूज हैं, ये हमारे सेशन में कवर हो जाएं. ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट ठीक है चलें फिर स्टार्ट रूटीन भी बता दूंगी कि कैसे हम डीबीएमएस कास्ट करेंगे. अच्छा, इन द रिलेशनल मोड्स कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज. कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ टपल्स होते हैं, यानी किसका किसके साथ कितना रिलेशन है. ठीक है, तो नंबर ऑफ टपल्स को भी हम इसके साथ लिंक करते हैं. रिलेशनल कैलकुलस इज द, यहाँ पे था रिलेशनल कैलकुलस जो होता है ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, प्रोसीजरल नहीं है. ठीक है, इसमें प्रोसीजर्स नहीं होते. टू ऑफ टोटल डेटा बेस कॉन्टेंट इज, आंसर चूंकि सामने लिखे हुए हैं तो अब हम फिर क्या कर सकते हैं, या तो हम तुक्के मारते या अपने लॉजिक करते, लेकिन अब आंसर क्लियर है सामने. द व्यू ऑफ टोटल डेटा कॉन्टेंट इज, जो व्यू होता है जब हम डेटा बेस टेबल में से किसी चीज को व्यू करते हैं, यानी कोई भी रिजल्ट ला के व्यू करते हैं, तो वो एक्चुअल में कंसेप्चुअल व्यू होता है. ठीक है, वो इंटरनल एक्सटर्नल या व्यू नहीं होता, एक्चुअल में वो एक कंसेप्चुअल व्यू होता है जो हमने एक लॉजिक के थ्रू उसको शो करते हैं. तो इसका ये आंसर है. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिलेशनल अलजेब्रा, इन रिलेशनल अलजेब्रा इज बी अ बाइनरी ऑपरेटर. कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा टू टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बाइनरी ऑपरेटर्स के दरमियान होता है. यूनरी, टर्नरी और नॉट डिफाइंड, मतलब यूनरी तो एक होगा, टर्नरी तीन होंगे, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स के दरमियान होता है. डीएमएल इज प्रोवाइडेड फॉर, डीएमएल हम किस चीज के लिए प्रोवाइड करते हैं? तो ये इसका आंसर है कि सी, मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस के लिए डीएमएल को हम प्रोवाइड करते हैं. अच्छा जी, डीएमएल एक्चुअल में क्या स्टैंड, किस चीज के लिए स्टैंड करता है? डेटा मैनिपुलेशन के लिए. ठीक है, डीएमएल स्टैंड करता है डेटा मैनिपुलेशन. तो डेटा मैनिपुलेशन में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन और प्रोसेस करते हैं डेटा का. ठीक है. अच्छा जी, सिक्स एमसीक्यूज नंबर सिक्स. अच्छा, एज क्लास इज यूज्ड इन एसक्यूएल फॉर, एज की जो क्लॉज होती है वो किस चीज के लिए यूज की जाती है? किसी चीज को रीनेम करने के लिए, रीनेम करने के लिए किसी भी ऑपरेशन को.
सिलेक्शन के लिए नहीं यूज की जाती, ज्वाइन ऑपरेशन के लिए, प्रोजेक्शन इनके लिए नहीं यूज की जाती. एज तो हम कहते हैं ना किसी चीज को भी नाम देने के लिए, जैसे हम डिफाइन करते हैं समथिंग, ये नाम से बात है समथिंग. ठीक है, जैसे ये देखें एक एग्जांपल है, सिलेक्ट ई नंबर, मतलब किसी एम्प्लॉय नंबर सिलेक्ट करो एज एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय. एज वो क्या होगा, नेम. ये देखें एम्प्लॉय नेम चेंज हो जाएगा. अच्छा जी, सातवां है ओडीबीसी स्टैंड फॉर. ओडीबीसी डेटाबेस में किसके लिए स्टैंड करता है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए. ठीक है. अच्छा जी, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस कैन बी व्यूड एज. तो कितने लेवल्स होते हैं डेटाबेस के जिसके आर्किटेक्चर को हम व्यू कर सकते हैं, तो इसके थ्री लेवल्स होते हैं. थ्री लेवल्स. इन अ रिलेशनल मॉडल रिलेशंस आर टर्म्ड एज. रिलेशन को कितनी तरह टर्म, किस तरह हम टर्म कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में. द डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन, डेटाबेस स्कीमा को हम किस में लिखते हैं, डीएमएल में, डीडीएल में, डीसीएल में या एचएलएल में. तो डीडीएल में इज द डेफिनेशन. अच्छा, एंड द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम एक्सटर्नल लेवल इज द. एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, कौन सा लेवल होता है एक्सटर्नल लेवल. तो जो हमारा व्यू लेवल होता है, फिजिकल, लॉजिक, कंसेप्चुअल, ये लेवल नहीं होंगे. इन द आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस एक्सटर्नल लेवल आर्किटेक्चर में व्यू लेवल होता है. एन एंटिटी सेट दैट डजंट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की इज अ क्या जी. एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स, जिसके पास उसके इतने एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे टू फॉर्म अ प्राइमरी की, कि वो अपनी प्राइमरी की बना सके, तो इज़ा वो क्या होएगी, वीक एंटिटी सेट होगा. अच्छा, इन अ हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइज्ड एज. रिकॉर्ड को हायरार्किकल मॉडल होता ही वही है जिसको हम एक प्रॉपर वे में ऊपर से नीचे की तरफ लिस्ट कर सके, तो वो अच्छा उसको हम किस तरह की ग्राफ की फॉर्म में नहीं, लिस्ट की फॉर्म में नहीं कर सकते, लिंक्स की फॉर्म में भी नहीं कर सकते, क्योंकि हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ही वही कि छोटा बड़ा एक प्रॉपर अरेंजमेंट, तो वो ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसमें देखें सबसे पहले रूट होती है, फिर स्टेम होती है, फिर ब्रांचेस होती है, फिर उसके बाद लीव्स होते हैं, तो ये एक हायरार्की बन जाती है. In an ER diagram, attributes are represented by. Attributes को हम कैसे represent करते हैं ER diagram में? Ellipse के थ्रू. अच्छा, round सा जो हमारा होता है उसके through होता है. In case of entity integrity, the primary key may be null, not null. अच्छा ठीक है जी, यहाँ पे ये ना कि कोई भी अगर प्राइमरी की आप लोग रख रहे हैं तो वो नल नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई आपके पास एट्रीब्यूट होना चाहिए. एग्जैक्टली, वो नल नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए इंटेग्रिटी में, ठीक है ना. एंटिटी इंटेग्रिटी यानी एंटिटी की अगर कोई वैल्यू है तो वहां पे प्राइमरी की नल नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है. तब पर आप लोग अपने व्यूज दे सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अभी आप लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं की होती, मैंने ये टाइम ही पढ़ने के लिए रखा हुआ है, डिस्कशन के लिए रखा हुआ है. इन द टप्पर रिलेशनल कैलकुलस P1 P2 इज इक्विवेलेंट टू. P1 P2 इक्विवेलेंट होगा किसके, ए नॉट ऑफ P1 यूनियन P2, ठीक है,
इन टप्पर रिलेशनल कैलकुलस P1 P2 इज इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ P1, और ये यूनियन का साइन तो नहीं है, ये किसी और चीज का साइन है P2, पर ये मुझे पता नहीं है किसका साइन है। यहाँ पे यूनियन का शायद कॉम्प्लीमेंट या इस तरह से लिया हुआ है, नीचे लिखा है ना लॉजिकल इम्प्लीकेशन एक्सप्रेशन ए बी मीनिंग इफ ए देन बी इज इक्विवेलेंट टू ओके नॉट ए यूनियन बी, नीचे वाली रो भी देखें। लॉजिकल इम्प्लीकेशन एक्सप्रेशन एंड बी मीनिंग इफ ए देन बी इज इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ ए, यू यू को नहीं ने एक्सप्लेन किया हुआ, यूनियन का शायद कंप्लीमेंट हो या कुछ इस तरह से। द लैंग्वेज यूज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम जी टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द DBMS इज रेफर्ड एज, कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या करने के लिए, DBMS से डेटा को निकालने के लिए। तो डेटा हमने ऊपर पढ़ा था, डेटा मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है, DML के थ्रू होती है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो अ लॉजिकल स्कीमा, लॉजिकल डेटा मैनिपुलेशन था या मैनिपुलेट था? मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन है मेरे यहाँ से। हाँ मैनिपुलेशन ही है। अच्छा अ लॉजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा क्या होता है, इज द एंटायर डेटाबेस होता है, इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट्स, डिस्क्राइब हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन डिस्क बोथ हैंड्स। तो लॉजिकल स्कीमा जो होता है वो पूरा एक डेटाबेस होता है। अभी जो नेक्स्ट हम लेक्चर करेंगे उसमें मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगी सारे चैप्टर्स की बेस बेसिक बेसिक चीजों से, और फिर ये चीजें इंशाल्लाह आपको सही। वो हो जाएंगे। रिलेटेड फील्ड्स इन अ डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म अ, रिलेटेड फील्ड्स जो होती हैं डेटाबेस में अगर उनको ग्रुप करें टू फॉर्म आ, तो उसको हम क्या बनाते हैं, डेटा रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, सिमिलर फील्ड्स को रिकॉर्ड। डेटा रिकॉर्ड कहते हैं। अच्छा रिकॉर्ड की डेफिनेशन भी बल्कि यही होती है कि रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। अच्छा, डेटाबेस एनवायरनमेंट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट, डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर तमाम कंपोनेंट्स होते हैं सिर्फ किसके अलावा, यूजर्स के अलावा। यूजर्स हाँ सेपरेट फाइल्स भी होती हैं, डेटाबेस भी होता है, डेटा में बेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, यूजर्स के अलावा। ठीक है, द लैंग्वेज विच हैज रिसेंटली बिकम द डिफैक्टो स्टैंडर्ड फॉर इन इंटरफेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम विद रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम इज, अब कौन सी है ये लैंग्वेज हैज रिसेंटली बिकम द डिफैक्टो, रिसेंट लैंग्वेज कौन सी है, और आई कैल SQL, SQL ठीक है, एसक्यूएल। सीक्वल हम कह रहे हैं सीक्वल। अच्छा जी, द वे अ पर्टिक्यूलर, अच्छा अजमल भाई ने कहा था मैग्नीफायर यूज किया करें, तो हम देखते हैं जरा मैग्नीफायर, मुझे एक्चुअल में मैग्नीफायर कहाँ भी होता है, चलिए मैग्नीफायर अभी मेरे पास नहीं है, मुझे लगता है यहां से मैग्नीफायर हाँ ये है कोई मैग्नीफायर, पता नहीं ये हमें सही से काम करने देगा। अच्छा, द वे अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्यू डेटा फ्रॉम द डेटा बेस इज द दैट द एप्लीकेशन, अच्छा जी ये मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है इसको करना यूज, ये सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, इसको स्केप कर देते हैं। को माइनस कैसे करेंगे, मुझे तो इसमें से बाहर निकलने का भी नहीं पता, माइनस मैग्नीफायर से ही वापस इसी को ऑफ कर देना जहां से ऑन किया था, उसका साइन भी है मिनिमाइज का, वहां पे क्लिक कीजिए।
नहीं, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। इसने सब कुछ मैग्निफाई कर दिया है। इसको क्लोज, मैग्नीफायर को वापस ओपन कीजिए ना। हाँ बस इसको क्लोज कर दिया है मैंने वापस। ये बड़ा सही डिस्टर्बिंग है। है, ये बहुत तंग करने वाली चीज है। चल अच्छा, मेरा इसने वो भी बंद कर दिया है, दोबारा खोलना पड़ेगा। अच्छा जी, हम कितने एमसीक्यूज पे जा रहे थे? एग्जैक्टली तो नंबर तो नहीं याद, लेकिन नीचे से बच गया। ये यहाँ पे थे। हाँ ऊपर ऊपर था, यहां से करे थे। यहां से कह रहे थे सब स्कीमा। ये 23 आई गेस, 22 से शायद। ये वाला तो हमने किया था ना, ये तो नहीं, हमारे पास। 22 सेट है, ठीक है ठीक है, हम इससे ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। द यहां से 22 पे। वे अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन व्यूज द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस दैट द एप्लीकेशन यूजेस इज अ क्या होगी? सब स्कीमा। सब स्कीमा। ठीक है। अच्छा, इन एन ईआर डायग्राम एन एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ, जो एंटिटी सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी को। कोई भी एंटिटी होती है, ये मैं आप लोगों को तस्वीर बना के कल भेजूंगी तो आपको याद आ जाएगी कि ईआर डायग्राम में जो हाँ एंटिटी होती है उसको रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं हम। हाँ बिल्कुल। अरपोर्ट और जनरेटर, एट्रीब्यूट सिलेप्स में। हाँ, अरपोर्ट जनरेटर इज यूज टू, अरपोर्ट जनरेटर क्या करता है? प्रिंट करता है फाइल्स को ऑन पेपर। द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस इज आर, प्रॉपर्टी क्या है डेटाबेस की, प्रॉपर्टीज क्या है? तो मेरे ख्याल से इट इज अ इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड्स, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। इट कंसोलिडेट सेपरेट फाइल्स इनटू अ कॉमन पूल ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, ये भी सही है। डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग इट, ठीक है, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, ये वाला आंसर करेक्ट है। द डीबीएमएस लैंग्वेज कंपोनेंट व्हिच कैन बी एम्बेडेड इन अ प्रोग्राम इज डीएमएल, डेटाबेस लैंग्वेज कंपोनेंट। ठीक है, डेटाबेस लैंग्वेज कंपोनेंट उन्होंने कहा है जो कि एम्बेड किया जा सकता है किसी प्रोग्राम में, तो वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डीएमएल है। ठीक है। अच्छा जी, अ रिलेशनल डेटा बेस डिवेलपर रेफर्स टू अ रिकॉर्ड, ऐसा रिलेशनल डेटा बेस डिवेलपर जिसको रेफर किया जाता है एज अ रिकॉर्ड, उसको हम क्या कहते हैं? अटप्पल। ठीक है, रिकॉर्ड का दूसरा नाम टप्पल होता है और टप्पल का दूसरा नाम रिकॉर्ड होता है। द रिलेशनल ठीक है। मॉडल फीचर इज दैट देयर इज मच मोर डेटा इंडिपेंडेंस देन सम अदर डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल मॉडल फीचर इज दैट देयर इज नो नीड ऑफ प्राइमरी की डेटा, ये तो गलत बात है। आर एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप अमंग रिकॉर्ड्स, ये भी गलत है। आर टेबल्स विद मेनी डायमेंशन, ये बातें बिल्कुल ट्रू नहीं है। तो ये एक बात ही जो है ये करेक्ट यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, कंसेप्चुअल डिजाइन में क्या होता है? कंसेप्चुअल डिजाइन एक्चुअल में इन्वॉल्व मॉडलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंसेप्चुअल डिजाइन में देखें आप, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, कोई हमने चीज प्रैक्टिकली नहीं करनी, कॉन्सेप्ट बनाना है। तो कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व मॉडलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास ना भी हो तो हमारे पास कंसेप्चुअल डिजाइन बन जाता है। तो इसमें आंसर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है। द मेथड इन विच रिकॉर्ड्स आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ की फील्ड इन ईच रिकॉर्ड इज
क्या होगा, ऐसा मेथड जिसमें रिकॉर्ड को फिजिकली स्टोर किया जाता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू की फील्ड. तो की फील्ड जो होती है, जो हम की फील्ड बनाते हैं किसी रिकॉर्ड की, उसको हैश हैश कहा जाता है. ठीक है. अ मेथड इन विच रिकॉर्ड्स आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ की फील्ड इन ईच रिकॉर्ड इज हैश. ये चीजें बहुत आगे जाके आती हैं, ये मोस्टली नहीं पढ़ी होती बंदे ने, लेकिन जो नई स्कीमिंग है उसके अंदर हैश हैश का कॉन्सेप्ट है. ये हैश मेथड का पढ़ लेते हैं. अ हैश फंक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द की वैल्यू. ठीक है. हैश फंक्शन लगता ही की वैल्यू के ऊपर है टू डिटरमिन द यूनिक फिजिकल एड्रेस. और इसके थ्रू हम यूनिक फिजिकल एड्रेस फाइंड करते हैं किसका, रिकॉर्ड का, जो कि स्टोर किया गया होता है वहां पे. अच्छा. अ सब स्कीमा एक्सप्रेसेस, सब स्कीमा एक्सप्रेस करता है किसको, एक्सटर्नल व्यू को. ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि सब एक्सटर्नल व्यू हम सब स्कीमा के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. अच्छा. एक्सटर्नल स्कीमाज आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सब स्कीमाज. एक्सटर्नल स्कीमाज को हम सब स्कीमाज भी कहते हैं. काउंट फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न द नंबर ऑफ, क्या चीज रिटर्न करते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज. काउंट फंक्शन, काउंट काउंट, वो काउंट कर रहा है फंक्शन जो, तो एसक्यूएल में रिटर्न करेगा हमें वैल्यूज. डिस्टिंक्ट वैल्यूज इसलिए नहीं करता कि सिंपल काउंट फंक्शन में हमें टोटल वैल्यूज रिटर्न करनी होती है. अकाउंट फंक्शन इन एसक्यूएल रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज. अच्छा. काउंट फंक्शन काउंट ऑल द नॉट नल वैल्यूज इन अ स्पेसिफिक कॉलम. जो भी नॉट नल वैल्यूज होंगी वो उसको काउंट करेगा. इफ यू वांट वांट टू काउंट ऑनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज देन द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इज आल्सो टू बी यूज्ड. अगर हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज फाइंड करनी होंगी तो हमें डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करना पड़ेगा. अच्छा जी. नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. द डेटा डायरेक्शन डिक्शनरी इज नॉर्मली मेंटेन्ड बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. डेटा डेटा एलिमेंट्स इन द डेटाबेस कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द डेटा डायरेक्ट. ये बात सही है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी. Data elements in the database can be modified by changing the data dictionary है ना. हाँ जी. तो ये बात जो है, data dictionary को हम change करते रहे, modify करते रहे, तो उससे data elements in the database can be modify हो जाएंगे. देखिए, डाटा जो डिक्शनरी होता है ना, डिक्शनरी होती है उसमें सिर्फ डाटा के रिलेशन के बारे में, उसका पूरा फॉर्मेट कैसा होगा वो डिस्क्रिप्शन होती है. अगर उसको कुछ चेंज करते तो फिर डाटा तो नहीं चेंज कर रहे हम, तो उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर रहे हैं, उसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट वगैरह डाटा डिक्शनरी में स्टोर हुआ. ठीक है. ठीक है. ओके. चले आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं. इन एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज, एडवांटेज क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच की. डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स. ठीक है. ये उसकी एडवांटेज है. अ डीबीएमएस क्यूरी लैंग्वेज इज डिजाइन टू, डीबीएमएस क्यूरी लैंग्वेज को डिजाइन किया जाता है. ठीक है. डी बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी में क्या है, प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा. तो ये बात जो है, एक मिनट, क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं. डेटा इंडिपेंडेंस मींस, ये एमसीक्यूज नहीं कर रहे थे, दूसरा कोई कर रहे थे पीछे, और दूसरा ही कर रहे थे, वो थोड़ा आगे चली गई है, पता नहीं चला. हाँ, पीछे कीजिए.
ये एमसीक्यूज कर रहे थे हम लोग. इन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट, एक मिनट, यही वाला था ना. इन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच इज, डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का जो एडवांटेज है वो क्या है? डेटा इज इंटीग्रेटेड इन कैन बी, ये तो कर लिया ना हमने, इंटीग्रेट हो सकता है और एक्सेस किया जा सकता है मल्टीपल प्रोग्राम के थ्रू, ये कर रहे थे हम लोग. आर डीबीएमएस क्यूरी लैंग्वेज इज डिजाइन टू, डीबीएमएस क्यूरी लैंग्वेज डिजाइन की जाती है सपोर्ट एंड यूजर हु यूज इंग्लिश लाइक कमांड्स. ठीक है, ये बात भी सही है. सपोर्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये बात भी सही है. स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, तो डी ऑल ऑफ द अबव सही है. ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज एसोसिएटेड विद एवरीथिंग बिलो एक्सेप्ट. ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग जो होती है वो एसोसिएट है सब चीजों के साथ एक्सेप्ट वन थिंग. ठीक है, तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में प्रोड्यूसिंग डिटेल समरी एक्सेप्शन रिपोर्ट्स और रिकॉर्डिंग अ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, ये भी होता है. कंफर्मिंग एन एक्शन और ट्रिगरिंग अ रिस्पॉन्स, मेंटेनिंग डेटा. तो ट्रांजेक्शन प्रोसेस में कंफर्मिंग एन एक्शन और ट्रिगरिंग अ रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स हमें कोई नहीं देता, ट्रांजेक्शन प्रोसेस में. ठीक है, ठीक है. अच्छा जी, इट इज पॉसिबल टू डिफाइन अ स्कीमा कंप्लीटली यूजिंग, पॉसिबल है स्कीमा को डिफाइन करना किसको यूज करके. डीएमएल तो आएगा आएगा सब में, ठीक है. तो पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो क्रॉस कर दें क्योंकि इसमें डीएमएल है ही नहीं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है ही नहीं, तो उसको दोनों को कैंसिल कर दें. अब बचा बी और सी, तो डीडीएल और डीएमएल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होती हैं या स्कीमा बनाने के लिए यूज होती हैं, तो इन ये दोनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक बी ऑप्शन में है. अच्छा, द मेथड ऑफ एक्सेस विच यूज यूजेस की ट्रांसफॉर्मेशन इज नाउन एज, मेथड ऑफ एक्सेस को हम क्या कहेंगे? अभी ये पढ़ा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिसमें की यूज होती है उसको हैश कहा जाता है. डेटा सही इंडिपेंडेंस मीन्स, डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? अभी हमने थोड़ी देर पढ़ लिया था, प्रोग्राम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल एट्रीब्यूट्स और नीदर लॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ये प्रोग्राम डिपेंडेंट नहीं होंगे फिजिकल एट्रीब्यूट्स या लॉजिकल एट्रीब्यूट्स पे, तो बोथ बी एंड सी. द स्टेटमेंट इन एसक्यूएल विच अलाउज टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल इज, कौन सी है जिससे हम डेफिनेशन चेंज कर सकते हैं टेबल की? तो उसको आल्टर कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं उस टेबल को. ईआर मॉडल यूजेस दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी. जो ईआर मॉडल होता है यूज करता है किस सिंबल को? टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी. किसी का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वीक एंटिटी जो हमारे पास रेक्टेंगल शेप होती है ना उसको डबल. एक मिनट सिर्फ. अच्छा, ये लाइंस जो है ना ये लग रही हैं, तो इसको हम लोग, अच्छा जी, इन ईआर मॉडल यूजेस दिस सिंबल टू रिप्रेजेंट वीक एंटिटी सेट. ईआर मॉडल यूज करता है, कौन सा सिंबल यूज करता है वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए? डॉटेड रेक्टेंगल, डायमंड, डबल आउटलाइंड रेक्टेंगल या नॉन ऑफ दिस?
तो इरम अब तुम ही बताओ, तुमने ये एंटिटी डायग्राम्स काफी बनाई थी। जी, ये मैंने शेयर भी की थी, जो रेक्टेंगल शेप होती है उसको जब डबल कर लेते हैं तो वहां पे हमारे पास अगर वीक एंटिटी है तो उसको बिल्कुल रिप्रेजेंट ठीक करना है है, इस सिंबल के साथ। डबल डबल लाइन जो रेक्टेंगल होती है उससे हम वीक एंटिटी को शो करते हैं। अच्छा, सेट कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन, सेट कॉन्सेप्ट किस में यूज किया जाता है? नेटवर्क में, हायरार्किकल मॉडल में, रिलेशनल मॉडल में, नॉन ऑफ दिस। तो सेट कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है नेटवर्क मॉडल में। 10 मिनट्स रह गए हमारे पास, कोशिश करते हैं हम मैक्सिमम कर लें, बाकी जो बचे कल कर लेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा इज, रिलेशनल अलजेब्रा में क्या होता है, प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, रिलेशन चूंकि हमने वो करना है तो प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज उसमें यूज होती है। की टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टेबल इज कॉल्ड, कौन सी की होती है जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन बिटवीन टेबल्स? तो फॉरेन की जो होती है, इसके थ्रू हम रिलेशन फाइंड करते हैं टेबल में, फॉरेन की के थ्रू। अच्छा जी, डैश प्रोड्यूसेस द रिलेशन दैट हैज एट्रीब्यूट्स ऑफ आर वन एंड आर टू। क्या प्रोड्यूस करेगा रिलेशन जिसमें के एट्रीब्यूट्स होंगे आर वन और आर टू के? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि उसमें दो बाइनरी एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप हम करते हैं। द फाइल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड वेरी फास्ट एक्सेस टू एनी आर्बिट्रेरी रिकॉर्ड ऑफ अ फाइल इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं किसी भी रिकॉर्ड की, किसी भी फाइल के रिकॉर्ड को? तो वो हैश फाइल है। ठीक है, डीबीएमएस हेल्प्स अचीव, डीबीएमएस हेल्प करते हैं हमें क्या अचीव करने में? डेटा इंडिपेंडेंस, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ डेटा, नीदर एंड बी, बोथ एंड बी। तो डेटा इंडिपेंडेंस भी होती है उसमें और सेंट्रलाइज कंट्रोल भी होता है डेटा का। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज? एंटिटीज की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? ग्रुप्स, टेबल्स, एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एंटिटीज की प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा जी, इन अ रिलेशन, एक रिलेशन के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे होंगी? ऑर्डरिंग ऑफ रोज इज इमटेरियल, नंबर टू रोज आर आइडेंटिकल, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। तो अब इसका आंसर सी है, बोथ एंड बी आर ट्रू। रिलेशन में ऑर्डरिंग ऑफ रोज इज इमटेरियल और नो टू रोज आर आइडेंटिकल। कोई भी दो रोज एक जैसी नहीं हो सकती और रोज जो होंगी एक ऑर्डर में होंगी, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो इनमें से हम देखते हैं ऑप्शन। क्या एसक्यूएल क्यूरी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट डुप्लीकेट्स? नहीं, ऐसा नहीं होता। एसक्यूएल परमिट्स एट्रीब्यूट नेम टू बी रिपीटेड इन द सेम रिलेशन, परमिट करता है एट्रीब्यूट नेम्स को रिपीट करने के लिए? नहीं, रिलेशन में ऐसा नहीं होता। एसक्यूएल क्यूरी विल नॉट वर्क इफ देयर आर नो इंडेक्सेस ऑन द रिलेशन। क्यूरी विल नॉट वर्क, एसक्यूएल क्यूरी वर्क नहीं करेगी अगर कि वहां पे कोई इंडेक्स नहीं होगा रिलेशनशिप के साथ। तो आंसर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। अच्छा जी, इट इज बेटर, मेरे ख्याल से 50 MCQs हमने किए हैं और 60 कर लेंगे शायद, टाइम थोड़ा सा ही रहता है। सिक्स पहले टाइम मिनट देख लीजिए, अगर टाइम है तो 60 कर लेते, नहीं तो 6 50 मिनट करते रहते हैं, हैं। 6 मिनट में 10 MCQs हो जाएंगे। ओके हो जाएगा। हाँ, कल फिर 40 कर लेंगे। इट इज बेटर टू यूज फाइल्स देन अ डीबीएमएस व्हेन देयर आर क्या होगा? इट इज बेटर टू यूज फाइल्स, फाइल्स यूज करना बेहतर है देन डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। व्हेन देयर आर क्या हो, स्ट्रेट एंड रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स हो, मल्टीपल यूजर हो, विश टू एक्सेस द डेटा, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स अमंग डेटा हो, ऑल ऑफ द अबव। तो फिर क्या हो, मल्टीपल यूजर हूं जो कि एक्सेस करना चाह रही हूँ डेटा को, तो फिर बेटर क्या होगा कि फाइल को यूज किया जाए। अच्छा, द कंसेप्चुअल मॉडल इज, कंसेप्चुअल मॉडल इज क्या होता है? डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर होता है, डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर होता है, डिपेंडेंट ऑन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, या इनडिपेंडेंट होता है बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? तो कंसेप्चुअल मॉडल का थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि उसके लिए किसी डेटाबेस की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है सिर्फ।
तो उसके वो इंडिपेंडेंट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से. व्हाट इज द रिलेशन कॉल्ड व्हेन इट इज मेंटेन्ड बिटवीन टू एंटिटीज. उस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे जो कि दो एंटिटीज के दरमियान हमने मेंटेन करना है. बाइनरी, थोड़ी देर पहले भी इसको हमने पढ़ चुके हैं इसी टाइप का. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज्ड इफ वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली सर्टेन कॉलम्स ऑफ टेबल. कौन सा ऑपरेशन यूज किया जाएगा अगर हम इंटरेस्टेड हैं ओनली सर्टेन कॉलम, सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम किसी टेबल के लेने के लिए. तो मेरे ख्याल से ये हम प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है, उन सर्टेन कॉलम्स को प्रोजेक्ट करेंगे, दिखाएंगे. यूनियन तो हो नहीं सकता, यूनियन में ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग और यूनियन में इकट्ठा करना है हमने चीजों को, सेपरेट करना है. एक इंटरसेक्शन टाइप की कमांड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एसक्यूएल टाइप. इनमें से कौन सी वैलिड एसक्यूएल टाइप है, करेक्टर, न्यूमेरिक, फ्लोट, ऑल ऑफ द अबव. अच्छा जी, द आर डीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टर्मिनोलॉजी फॉर अ रो इज. जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी रो के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है. तो टपल, रो टपल, और कॉलम के लिए क्या यूज होता है, याद है किसी को, रिकॉर्ड, कॉलम रिकॉर्ड होता है ना. कार्ड और फील्ड, फील्ड भी फील्ड, फील्ड यूज किया जाता है. रो टपल और कार्ड एक ही है, और कॉलम और फील्ड एक ही. कॉलम और फील्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन नीड द पार्टिसिपेटिंग रिलेशन टू बी यूनियन कंपेटिबल. तो यूनियन कंपेटिबल के लिए यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, क्यू क्यू. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन नीड टू पार्टिसिपेटिंग रिलेशंस टू बी यूनियन कंपेटिबल. ये आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन बहरहाल इसका आंसर डी है कि सब है. द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल इज. फुल फॉर्म क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. अच्छा, 3 मिनट रह गए, 3 मिनट में हम चलें थोड़ा सा और कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ व्यू. एडवांटेज क्या है व्यू की. तो हम डेटा सिक्योरिटी करते हैं, डिराइव कॉलम करते हैं, हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूरीज करते हैं. अच्छा देखें, डेटा सिक्योरिटी इस तरह होती है कि कोई बंदा जिसको एक स्पेसिफिक चीज चाहिए उसको सिर्फ वही नजर आएगी. डिराइव कॉलम, डिराइव कॉलम का भी यही मतलब हुआ कि हम कुछ कॉलम्स को डिराइव करते हैं पूरे डेटा में से. हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, तो बाकी हाइड होती हैं क्यूरीज, उसको हम नहीं एक्सेस कर सकते. तो ये सारी एडवांटेजेस हैं इसकी व्यू करने की. इसको इस फॉर्म में समझें कि जब हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें देखें हमें एक्सेस जो दी जाती है वो एक थोड़ी सी एक्सेस दी जाती है. हर बंदे को पूरे डेटा के ऊपर एक्सेस नहीं दी जा रही होती, पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर. तो वो क्या होता है, उसमें से क्यूरी जो लगी होती है वो डेटा सिक्योर भी कर रही होती है, डिराइव भी कर रही होती है फ्यू वैल्यूज को हमारी मर्जी की, और हाइड भी कर रही होती है उसकी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीगल एक्सप्रेशन इन एसक्यूएल. एसक्यूएल में लीगल एक्सप्रेशन कौन सी है. सेलेक्ट नल फ्रॉम इम्प्लाई, सेलेक्ट नेम फ्रॉम इम्प्लाई, सेलेक्ट नेम फ्रॉम इम्प्लाई वेयर सैलरी इक्वल टू नल. तो कौन सा सही होगा, ये वाला, सेलेक्ट नेम फ्रॉम इम्प्लॉय. ये सैलरी इक्वल टू नल, ये मेरे ख्याल से इस तरह कमांड, शायद इसमें इक्वल टू कमांड नहीं यूज की जाती. क्योंकि नहीं देखिए, यहाँ पे डेटाबेस होता है उसमें सैलरी नल तो वैल्यूज, नल की हो नल सकती वैल्यूज डालते ही नहीं है ना, मतलब नल नहीं हो सकती, फिर हम नल को एक्सेस है. और कैसे जैसे देखिए ना, सैलरी करेंगे. कोई ले रहा है तो वो कुछ ना तो लेगा ना, उसमें नल तो नहीं होगा, यानी किसी ये को पूरी सैलरी तो होगी नहीं, इसलिए ये कंडीशन है. ठीक है. द यूजर हु यूज, 1 मिनट रहता है मेरे ख्याल से. 61 से एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है हमारा कि 60 तक हमने कर लिए हैं, 61 से लेके 94 तक कल कर लेंगे. ठीक है, अब ये 30 MCQs हमारे रह जाएंगे, 60, ओके 70, 80 और 90, नहीं बल्कि ये ऑलमोस्ट 100 है. तो 40 MCQs हमारे रह गए.
ठीक है जी, आज का सेशन हम यहाँ पे एंड ओके करेंगे। ठीक है। चले। ये किसी ने हमारे बोर्ड के ऊपर, ये स्क्रीन शेयर के ऊपर लाइनें लगा दी हैं, अब ये जा रही नहीं है, पता नहीं ये कैसे लगी है। बैरल अच्छा।